वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन एक मीशो हॉल होने वाला है। एंड आज मैंने मीशो से पिक किए आपके चॉइस के आउटफिट। कुछ आउटफिट ऐसे हैं जिनके कोड आपने मुझे दिए थे। टोटल 5 या 6 आउटफिट आपके साथ शेयर करूंगी और सभी एक से बढ़ के एक है, आप ही की चॉइस के हैं और फाइनली मुझे मिल भी गए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल से आउटफिट्स हैं। एंड आज का हॉल है जो मिक्स हॉल होने वाला है। आज के हॉल में आपको फ्लेयर कुर्ता, अनारकली कुर्ता सेट, साड़ी, क्लच, हैंडबैग सब एक ही साथ देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में मैं अनाउंस करने वाली हूँ एक गिव अवे। जी हाँ, अप्रैल स्टार्ट हो गया है तो अप्रैल के स्टार्टिंग में ही मैं गिव अवे अनाउंस कर रही हूँ। क्या रूल्स है, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो वो आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप पार्टिसिपेट करने से रह जाओगे। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिन्हें नहीं पता है मीशो क्या है या फिर जो मुझसे नए जुड़े हैं, तो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है। यहाँ से आप घर बैठे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। और आज के हॉल में से आपको कुछ भी आउटफिट अगर पसंद आ रहा है और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इन सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे लिंक से मीशो डाउनलोड करोगे तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे 100 रुपीज़ 30% का ऑफ देखने को मिलेगा। तो मेरा लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो करते हैं। तो सबसे पहला जो आउटफिट मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बहुत ही प्यारा सा ये फ्लेयर कुर्ता सेट है। एंड इसमें शायद कलर ऑप्शन मीशो पे दिए हुए हैं, वो आप एक बार चेकआउट कर लेना, पर मुझे ये वाला मजेंटा कलर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। मैंने अभी तक इसे खोल के नहीं देखा है, तो देखते हैं कैसा निकला है। इस तरीके का आपको ये वाला कुर्ता मिल जाएगा। ये जो इन्होंने फ्रंट में आप देख रहे हो ना, ये पूरा इन्होंने एम्ब्रॉयडरी और पेपर मिरर का काम किया हुआ है। पूरे में आपको एम्ब्रॉयडरी एंड 3/4 स्लीव्स देखने को मिल जाएगी। पर मुझे है ना सूट अच्छा लगा, लेकिन अगर आप जो पिक में देखोगे तो उसमें देखोगे बहुत ही ज्यादा फ्लेयर है उसमें। तो इसी फ्लेयर की वजह से मैंने ये वाला सूट परचेज किया था, लेकिन इसमें इतना फ्लेयर आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको प्रॉपर लुक आप मेरी क्लिप में साइड में देख लेना, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगा। मैं ये नहीं कहूंगी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर इतनी प्राइस है तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लेयर हो, तो वो लुक ज़्यादा बेटर लगता। लेकिन इस तरीके की आपको नेट देखने को मिल जाएगी। नेट पे यहाँ पे पॉम पॉम लगाए हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हो इस तरीके की है, थ्रेड वाली एम्ब्रॉयडरी है। प्लस इस पे पूरे पे पेपर मिरर का काम किया गया है। स्लीव्स आपको इतनी देखने को मिल जाएगी, स्लीव्स पे आगे भी पॉम पॉम लगाए हुए हैं। क्वालिटी काफी अच्छी है, नीटली है काम पूरा जो इस पर किया हुआ है। लेकिन आप जो नीचे का देखोगे ना पोर्शन, ये पूरा आपको जॉर्जेट फैब्रिक में मिलेगा और ना ही इसके अंदर इन्होंने कोई भी लाइनिंग नहीं लगाई हुई है। तो मुझे चाहिए था इसमें प्रॉपर लाइनिंग होती और फ्लेयर इसका काफी अच्छा होता, तब इसका लुक काफी अच्छा आता और प्राइस के अकॉर्डिंग यार इतना तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके का आपको ये वाला सूट देखने को मिल जाएगा। इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है मीडियम। आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज करना, अगर आप परचेज करना चाहते हो ये वाला सूट तो फ्लेयर तो इसमें इतना ही आने वाला है। हमें है जो नीचे की साइड इन्होंने प्लाजो दिया हुआ है, इस तरीके का प्लाजो देखने को मिल जाएगा। स्ट्रेट प्लाजो है, इलास्टिक वाला, मर्जेंटा कलर में रेयन फैब्रिक है। दुपट्टा इन्होंने पूरा जॉर्जेट फैब्रिक में दिया हुआ है एंड इस तरीके का आपको दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। पूरा 2.25 मीटर का दुपट्टा है, प्लेन दुपट्टा है, बस साइड में आपको इस तरीके के बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। बॉर्डर पे भी इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी इन्होंने की हुई है, वो ही नीटली। दुपट्टा काफी अच्छा है, लेकिन सूट मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट नहीं लग रहा है। प्राइस के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा और अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी। क्वालिटी अच्छी है, लेकिन लुकिंग वाइज ये और थोड़ा अच्छा हो सकता था। तो ये है जो फर्स्ट सूट मैंने यहाँ से पिक किया है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे, वो है ये वाली साड़ी। एंड ये वाली साड़ी को परचेज करने का रीजन ये था कि यार जो आप पिक में देखोगे ना तो बेल्ट स्टाइल साड़ी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में एंड काफी खूबसूरत लग रही है, वो भी साटिन में साड़ी फ्लावर प्रिंट। तो उस अकॉर्डिंग तो इस तरीके की आपको ये साड़ी मिलेगी, ये पूरी आपको साटिन फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी। और इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा है, बेबी पिंक कलर में आपको ये साड़ी मिलेगी, बिल्कुल लाइट बेबी पिंक कलर है। आप देख सकते हो ना पिक में व्हाइटिश शेड में ही है पूरा। एंड इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी।
1.5 मीटर की साटिन की साड़ी है। जब आप देखोगे उसमें तो लिख रखा हुआ है, मेंशन है वहां पे मीशो पे कि साड़ी है जो एम्ब्रॉयडर्ड मिलेगी, नहीं पर नहीं पूरी साड़ी ब्लाउज दोनों आपको प्रिंटेड मिलेंगे। एंड ये जो है ना, यहाँ से आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये जो पीस है यहाँ तक साड़ी है और ये पूरा 1 मीटर का इन्होंने ब्लाउज दिया हुआ है। क्योंकि आप जब पिक में देखोगे तो पूरी फुल स्लीव्स का ब्लाउज इसमें उसने मॉडल ने पहना हुआ है, तो आराम से आप इसमें बनवा सकते हो वैसा वाला ब्लाउज। 1 मीटर का ब्लाउज इसमें अटैच है 90 सेंटीमीटर के आसपास एंड पूरी 5.5 मीटर की आपको इसमें साड़ी देखने को मिल जाएगी। मैंने इस साड़ी को प्रॉपर परचेज किया था वो बैट वाले लुक के लिए, मुझे लग रहा था इसमें बैट है जो अलग से आएगी, लेकिन इसमें बैट अलग से मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो मे बी शायद इसमें आपको ब्लाउज में से ही उस तरीके की बैट स्टिच करवानी पड़ेगी, अगर आप वैसा लुक चाहते हो तो टेलर से आपको कह के स्टिच करवानी पड़ेगी। बाकी साड़ी बहुत ही ज्यादा प्रीटी है, पहनने के बाद बहुत अच्छी लगेगी, पर आपको उस तरीके से ब्लाउज स्टिच करवाना पड़ेगा, बैग बनवानी पड़ेगी। तो ये है जो नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है यहाँ से आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, एंड काफी ब्यूटीफुल है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है एंड क्वालिटी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, समझ के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। तो ये है जो नेक्स्ट पीस मैंने परचेज किया है। अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने यहाँ से पिक किया है वो है ये वाला सूट, एंड ये फ्लेयर अनारकली कुर्ता वाला सूट है। इसमें आपको कलर ऑप्शन में भी देखने को मिल जाए, पर मुझे यार ग्रे वाला जो कलर है ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा था, तो मैंने सोचा था यार इससे मंगाऊंगी, पहनने के बाद देखते हैं आने के बाद ये कैसा आता है। और जो इनकी रेटिंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आपको मैं खोल के बताती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई, आज ये जो कुर्ता सेट मैंने पहना हुआ है ये भी मैंने मीशो से परचेज किया है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है। एक कुर्ता शरारा सेट है, अगर आप लेना चाहते हो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके इसे परचेज कर सकते हो। इस तरीके की एक कुर्ती है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ इन्होंने फ्रंट दिया हुआ है, फ्रंट पे आपको मर्जेंटा एंड गोटे से आपको इस तरीके की नेकलाइन मिल जाएगी, 3/4 इसमें स्लीव्स देखने को मिल जाएगी, स्लीव्स पे आगे भी इस तरीके की गोटे की डिटेलिंग की हुई है। बैक साइड इसका बहुत ज्यादा प्यारा है, इस तरीके का बैक साइड मिलेगा, बिल्कुल डीप नेक, बिल्कुल डीप, एंड पीछे की साइड आपको इस तरीके के इसमें टसल्स दिए हुए हैं, इतने बड़े बड़े टसल्स देखने को मिल जाएंगे पिंक कलर के, जो कि काफी ब्यूटीफुल लगेंगे टाई अप करने के बाद। एंड फुल लेंथ में आपको ये वाली सिल्क की कुर्ती मिलने वाली है, जो कि काफी अच्छी है, प्लेन है, एलिगेंट है, लेकिन पहनने के बाद लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा इस कुर्ती का। तो हाईली रिकमेंड करती हूँ आप ये वाली कुर्ती समर्स के अकॉर्डिंग परचेज कर सकती हो, बहुत ही प्यारी कुर्ती है। एंड इसके साथ इन्होंने बहुत ही प्यारा सा एक दुपट्टा दिया है, और ऑरेंजर सिल्क में आपको वाला दुपट्टा मिल जाएगा। कुर्ती बिल्कुल प्लेन दी है, तो इन्होंने दुपट्टा इस तरीके का इस पे दिया हुआ है ऑरेगंजा सिल्क का, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके के टैसल्स लगाए हुए हैं, चारों तरफ आपको इस तरीके की लेस देखने को मिल जाएगी। और ये जो इन्होंने लगाया हुआ है ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, अलग से फ्लावर इन्होंने इस पे स्टिच किए हुए हैं, और प्लस बीच में आप देख सकते हो ना पर्ल है, ये अलग से इसमें स्टिच किए हुए हैं। तो पूरी आपको 2.25 मीटर का इस तरीके का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी खूबसूरत है, चौड़ाई आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छी है। तो मैं बता देती हूँ गिव अवे में आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है, क्या रूल्स हैं, क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। जितने ज्यादा आप एक्साइटेड हो उतनी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं गिव अवे कब अनाउंस करूँ। एंड गिव अवे पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो फर्स्ट रूल फॉलो करना है वो है ये कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन, दैट्स इट, ये आपको करना ही होगा, ये फर्स्ट रूल है। एंड इसको करने के बाद ही आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकेंड रूल है वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट वॉच करना है, जितने भी लोगों को शेयर करो ध्यान रहे कि उन्हीं लोगों को शेयर करो जो वीडियो को फुल वॉच करे, क्योंकि मुझे पता चल जाता है यार जो मेरे जनरल सब्सक्राइबर है जो मेरी वीडियो डेली देखते हैं मुझे उस चीज का पता होता है, और मैं ट्राई करूंगी वो ही लोग विन करें जो मेरे सच में जनरल सब्सक्राइबर है। तो अब मुझे पता कैसे चलता है जो मेरे सब्सक्राइबर है, क्योंकि वो डेली मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं डेली कमेंट्स पढ़ती हूँ, चाहे मैं थोड़ा बिजी हूँ तो रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपके कमेंट्स डेली पढ़ती हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करती हूँ, तो ये चीज़ मुझे पता होती है। तो आप जब भी मेरी वीडियो वॉच करें फुल वॉच करें, और वॉच करने के बाद कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कौन मेरी वीडियो डेली वॉच करते हैं। तो थर्ड जो रूल है, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना है, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पे मैं हैंडल देने का ट्राई करूंगी, तो जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है वो लोग इंस्टाग्राम आईडी बना ले, बिकॉज आजकल तो सभी इंस्टाग्राम पे हैं, और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होके आप मुझे पर्सनली कनेक्ट भी हो पाएंगे, तो इसलिए तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा।
वो जो रूल है वो ये है, आपको मेरे चैनल पे आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इनवाइट करना होगा। मिनिमम कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम भी कुछ भी नहीं है, यानी कि आप मिनिमम कितने भी लोगों को इनवाइट कर सकते हो, मैक्सिमम कितने भी लोगों को कर सकते हो। मैं गिव अवे के विनर्स हैं जो मंथ के लास्ट में अनाउंस करने वाली हूँ, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। जितने ज़्यादा लोगों को आप इन्वाइट करोगे मेरे चैनल पर, उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। जो भी लोगों को आप इन्वाइट कर रहे हो उनसे भी मेरी वीडियो को लाइक कराना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है विद बेल आइकन, और उनको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना है कि वो किसके थ्रू मेरे चैनल पर आए हैं, जिससे मुझे पता चले कि किसके थ्रू वो मेरे चैनल पर आए हैं। तो ये चार रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं, एंड फिफ्थ रूल, ये सब डन हो जाने के बाद आपको कमेंट करना है कि आपको इन दोनों साड़ी में से कौन सी साड़ी सबसे ज्यादा पसंद है और आप कौन सी साड़ी जीतना चाहते हो, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ये पांच रूल है, बिल्कुल सिंपल है, जो आपको फॉलो करना है, और इस तरीके से आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। गिव अवे के विनर्स मैं मंथ के लास्ट में अनाउंस कर दूंगी, तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट कुर्ता सेट है, फ्लावर प्रिंट में आपको ये वाला कुर्ता सेट देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सी कॉटन का कुर्ता सेट है, एंड मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो यार मैंने सोचा एक बार परचेज करके देखती हूँ, समर्स का टाइम है, कैसा निकलता है। और फ्लावर प्रिंट में मुझे ये दिखा तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस तरीके की आपको ये फ्लेयर कुर्ती देखने को मिल जाएगी फुल लेंथ में, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें राउंड नेक दी हुई है। बहुत ही एलिगेंट सी कुर्ती है, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे आगे आपको इस तरीके की गोटे की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। पूरी फ्लेयर्ड कुर्ती है कॉटन फैब्रिक की, नीचे आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, ब्रॉड बॉर्डर है काफी अच्छा, यहाँ पे गोटे की डिटेलिंग की हुई है। पहनने के बाद लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा। इसमें मैंने मीडियम साइज परचेज किया है क्योंकि कॉटन फैब्रिक है, धोने के बाद श्रिंक हो जाएगा वॉश करने के बाद, तो आप भी एक साइज बड़ा परचेज करना। एंड बैक साइड भी आपको पूरा इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें जो दुपट्टा इन्होंने दिया है वो भी कॉटन फैब्रिक का दुपट्टा दिया है, एंड 2.25 मीटर का प्रॉपर आपको प्रिंटेड दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। ये जो अब जो लास्ट आइटम मैंने यहाँ से परचेज किया है वो है ये वाला हैंडबैग, पोटली हैंडबैग, जो कि आप देखोगे ना अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, और इस तरीके का आपको एक जरी के काम वाला हैंडबैग मिल जाएगा। इसमें कलर ऑप्शन मीशो पे काफी सारे दिए हुए थे, लेकिन मैंने ग्रे कलर इसलिए परचेस किया क्योंकि ये सभी आउटफिट के साथ अच्छे से चले जाएगा, इसलिए मैंने ग्रे कलर परचेस किया। एंड पूरा ये आपको एम्ब्रॉयडर्ड मिलने वाला है, यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके की यहाँ पे मोतियों की ये वाली दो स्टेप दी हुई है, डोरी दी हुई है। अंदर की साइड आपको इसमें कोई जिप वगैरह देखने को नहीं मिलती, बस ये चिटचैट बटन देखने को मिलते हैं। एंड अंदर की साइड आप देख सकते हो ना, इसमें इस तरीके के अभी कागज भरे हुए हैं क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह अभी तक मैंने बस इसे आपके सामने बस वीडियो में दिखाया, अभी तक इसे खोला भी नहीं था। एंड पूरा आपको जरी के काम वाला एम्ब्रॉयडर देखने को मिलेगा, पर यार मे भी शायद आउट ऑफ स्टॉक है अभी मीशो पे, अगर मुझे कोड अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ तो मैं कोड देने का ट्राई करूंगी, एंड अगर आउट ऑफ स्टॉक हुआ ये वाला तो मैं इसके सिमिलर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड दे दूंगी। वैसे तो मैंने अभी पोटलियाँ भी मंगवाई हुई है काफ़ी तरीके के हैंडबैग्स भी मंगवाए हैं, वो आगे आपको आने वाले वीडियो में देखने को मिलेंगे। पर इस तरीके का अगर कुछ मिला या फिर आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड डाल दूंगी। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट है, किसी भी आउटफिट साड़ी के साथ बहुत प्यारा लगेगा। तो ये है जो लास्ट आइटम मैंने मीशो से की बार परचेस किया है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है, लाइट वेट है, प्लस इतना बड़ा साइज में है कि आप इसमें आराम से अपना मेकअप मोबाइल वगैरह रख सकते हो, पैसे वगैरह, तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। तो ये है जो लास्ट आइटम मैंने मीशो से परचेस किया है। तो गाइज आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर न्यू हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और कुछ मीशो से देखना चाहते हो कॉमेंट कर सकते हो, अगर मुझे पसंद आएगा आपके साथ शेयर करूंगी। एंड इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा आउटफिट लगा, कौन सा अच्छा लगा सबसे ज़्यादा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। गिव अवे पार्टिसिपेट करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है जिससे आप लोग विन कर सके, बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।